Hello everyone, I am Anshul Ram. Welcome to my channel. And here we are discussing about our topic size reduction. And today's our mill is edge runner mill. So basically, आज हम देखेंगे कि edge runner mill क्या होती है, कैसे काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है, इसके advantages और disadvantages क्या-क्या हैं, इसका use क्या है, इसका construction कैसा है, ये सारी चीजें को हम यहाँ पर देखेंगे. ये mill जो है 90% चांसेस है बच्चों कि आपके एग्जाम में ये मिल पूछी नहीं जाएगी. जो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट तीन मिल है जो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया है, हैमर मिल, बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल, दैट थ्री मिल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो जिसमें से दो मिल गारंटीड आपके एग्जाम में आएगी. ये मिल पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, पर 90% चांसेस है कि ये नहीं आएगा और नहीं पूछा जाता उतना इम्पोर्टेंट और उतना सक्सेसफुल मिल जो है ये नहीं है. तो चालू करते हैं अपन अपना टॉपिक. तो आपने आपको पता है कि हमको क्या क्या डील करना है. सबसे पहले प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर देन वर्किंग, देन आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड देन यूज. तो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एज रनर मिल? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन. कंप्रेशन अभी तक हमने जितने भी मिल देखे उसमें इम्पैक्ट हो रहा था, अट्रेशन हो रहा था. अभी तक हमने कोई भी कटिंग की मिल नहीं देखी थी और कंप्रेशन की मिल नहीं देखी थी. आपको याद होगा मैंने आपको पांच सिद्धांत बताए थे, कटिंग, कंप्रेशन और इम्पैक्ट एंड अट्रेशन. तो यहाँ पर हमारी पहली मिल आई है किसकी? कंप्रेशन की, जिसका नाम है एज रनर मिल. इसके अलावा एक और मिल होती है रोलर मिल, जो कि आपके सिलेबस नहीं दिया हुआ है, वो भी इसी कंप्रेशन के सिद्धांत पर काम करती है. कंप्रेशन का मतलब होता है दबाकर, दबा दबा कर साइज को कम करना, दबाकर किसी चीज के टुकड़े कर देना या छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देना. तो आइए देखते हैं. तो प्रिंसिपल जो है क्या है आपका? कंप्रेशन पर वर्क करता है, कंप्रेशन के सिद्धांत पर. देन आता है आपका कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में याद रखिए आपको डायग्राम बनाना मस्त है, डायग्राम बनाना ही है. डायग्राम अच्छा बनाना, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि लेबलिंग करना बहुत ही जरूरी है. लेबलिंग जो है मस्त है. तो देखते हैं यहाँ पर एक डायग्राम है, आपने राउंड नहीं दिख रहा होगा, मैंने इसको 3D में कुछ बनाने की कोशिश की है. ये जो है आपके रोलर्स है, यहाँ पर दो रोलर्स लगे हुए हैं. जब आप क्रिकेट ग्राउंड में देखे होंगे कि जब हम लोग पिच बनाते थे, जब हम पिच बनाते हैं तो जो रोलर होता है वो दबा दबा कर पिच को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है. तो यहाँ पर देखते हैं अपन कि ये जो रोलर्स हैं, ये जो है यहाँ पर क्या करते हैं, दबा दबा कर आपके प्रोडक्ट का साइज को कम करने का काम करते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए क्या है. सबसे पहले यहाँ पर एक क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है. ये वाली शाफ्ट का मतलब है एक ऐसी शाफ्ट है जो यहाँ पर लगी है. अब यहाँ पर कहीं पर भी दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पर कोई मोटर लगा हुआ है. आप याद रखिए कि मोटर जहाँ पर शाफ्ट लगी है, अगर रोलर्स को घुमाना है तो वहां पर मोटर लगा होना अति आवश्यक है, नहीं तो घुमाएंगे कैसे. मोटर जो है वो मैकेनिकल चीज है, और अगर आप मैनुअली भी घुमाना चाहें तो वहां पे मैनुअली इंस्ट्रूमेंट हमको लगाना पड़ेगा. ठीक है, बुक में सारी चीजें नहीं दी होती है, कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होती है, वो आपको समझनी पड़ती है. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है जो कि इस शाफ्ट को घुमाएगा. ये शाफ्ट घूमेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे. अब ये शाफ्ट ऐसे घूमेगा, मान लीजिए इस तरीके से ये शाफ्ट है और ये ऐसे ऐसे घूमेगा. तो ये घूमेगा तो यहाँ से कनेक्टेड शाफ्ट है, और फिर ये जो है इन शाफ्ट को इस राउंड में घुमाएगा, डायरेक्शन में ऐसे घुमाएगा. ठीक है, अब जब ये शाफ्ट घूमेंगे तो ये शाफ्ट कनेक्टेड किसके साथ है? रोलर्स के साथ है. तो ये रोलर्स घूमने का काम करेंगे. ऐसे मोटर, शाफ्ट और रोलर्स घूमने का काम करते हैं. अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं. यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हमने बेड का नाम दिया है. बेड एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपने मटेरियल को डालेंगे जिसका हमको साइज कम करना है. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बेस है. बेस ऐसी जगह है, एक आधार है, जैसे आपकी पढ़ाई आपके जीवन का आधार है, वैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को इस जगह पर, किसी जगह पर रखने के लिए जो बेस है वो उसका आधार है. सरल भाषा में अगर कहूँ, अगर इस फोन से मैं अगर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ
इस वीडियो को बता रहा हूँ लेक्चर को, तो उस फोन को मैंने एक स्टैंड पर टिकाया है, वो भी एक बेस है, उसका सिनोनिम बेस है। आप स्टैंड को एज अ बेस मान सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बेस लिखेगा स्टैंड लिखेंगे तो भी चलेगा, पर यहाँ पर आप बेस लिखेंगे तो टेक्निकल थोड़ा साउंड करता है ज्यादा नंबर गेन करने के लिए। देन आता है आपके शाफ्ट, मैंने आपको शाफ्ट बताया और रोलर्स बताया, ये सारी चीजें हैं। और यहाँ पर मटेरियल को बताया है, मटेरियल है यहाँ पर एकदम इजी है, एकदम सरल है, कुछ भी यहाँ पर टिपिकल नहीं है। अब देखिए आते हैं हम वर्किंग में, कंस्ट्रक्शन तरंग में। तो वर्किंग क्या कहती है कि मटेरियल जो है उसको प्लेस कर देना है बेड पे। हमने मटेरियल लिया, मटेरियल को बेड पे डाल दिया, बेड पे मटेरियल को डालने के बाद हमने मशीन को स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो मोटर यहाँ पर घूमने लगा, घूमा तो उसने क्रैंक शाफ्ट को घुमाया, क्रैंक शाफ्ट घूमने के कारण यहाँ जो आर्म शाफ्ट थे, हम इसको दो शाफ्ट निकले, इसको हम आर्म शाफ्ट बोल सकते हैं, आर्म्स का मतलब हमारे हाथ के जैसे। तो जब आर्म शाफ्ट घूमने लगे, ये शाफ्ट घूमे तो उसके साथ रोलर घूमने लगे। अब रोलर यहाँ पर घूमे, ऐसे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जो मटेरियल है उसमें आ रहा है, टकरा रहा है, चकराने के कारण क्या हो रहा है, वो हिस्सों में टूट जा रहा है। भाई ऐसे चीजें घूम रही है, मान लीजिए ये मान लीजिए आपका रोलर है, रोलर घूम रहा है, हमने नीचे मटेरियल रख दिया, तो मटेरियल ऐसे दबा, तो मटेरियल जो है वो रोलर से और ये जो आपका बेड है दोनों के बीच में दब रहा है, प्रेशर से दब रहा है, ये दब रहा है। तो दबने के कारण क्या हो रहा है, वहां पे कंप्रेशन का जो है प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, और कंप्रेस होने के कारण उसका साइज रिडक्शन हो जाता है। जब कंप्रेस होकर वो छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक स्क्रैपर की सहायता से हम उस स्क्रैपर की सहायता से उसको ऐसे निकालते हैं, और निकालने के बाद सीव में डालकर हम उसको छान लेते हैं। अलग अलग नंबर के सीव्स होते हैं जो उसको छान कर अलग कर लेते हैं, हम जो डिजायरेबल साइज। ये है आपका वर्किंग, होपफुली आपको समझ आया हो। कुछ भी नहीं है, सामान लिए, सामान को इसके अंदर डाला है, डालने के बाद मशीन को ऑन किया है, शाफ्ट घूमी, शाफ्ट घूमने के कारण रोलर घूमे, रोलर घूमने के कारण रोलर और बेड के बीच दबाव बना, और जो प्रोडक्ट उसके बीच में आया वो दबे, और कंप्रेशन के सिद्धांत के कारण दब दब कर उसका साइज कम हो गया। फिर हमने एक चमचा बोल लो या आप स्क्रैपर बोल लो, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलो स्क्रैपर से उसको निकाला और उसको छान लिया अलग अलग साइज के हिसाब से। तो ये बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है, ये जनरली यूज भी नहीं होता है, इसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा है एडवांटेजेस की तुलना में। मैंने आपको बताया है कि एडवांटेजेस जो है वो ज्यादा लिखने चाहिए, पर मुझे यहाँ पर एडवांटेजेस ज्यादा मिले नहीं, आप चाहें तो इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो पहला एडवांटेज बोलता है इट डज नॉट रिक्वायर अटेंशन, भाई मतलब कि अटेंशन यहाँ पर रिक्वायर नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सामान डालिए, डाल के मशीन ऑन कर दीजिए, वो अपना टूटते रहेगा, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं, इसका यही एक एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज की लिस्ट में आते हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट है। डिसएडवांटेज में क्या है, मोर स्पेस कंपैरेटिवली अगर हम दूसरी मिल्स देखें उसके तुलना में तुलनात्मक अगर देखें तो ये जो है अधिक जगह घेरती है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है कंटामिनेशन। कंटामिनेशन का मतलब होता है यहाँ पर क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से गंदगा हो, गंदगी होना, मीन्स मिलावट हो जाना, कंटामिनेट हो जाना, शुद्ध न रहना। बेसिकली जब यहाँ पर बेड से आपको प्रोडक्ट दबेगा और रोलर से दबेगा तो हो सकता है रोलर पर कुछ मटेरियल जो है आपके प्रोडक्ट में मिल जाए या बेड पर कुछ मटेरियल मिल जाए, तो आपका प्रोडक्ट जो है कंटामिनेट होने के चांसेस ज्यादा है। उसका बोला है टाइम कंज्यूमिंग, नेक्स्ट पॉइंट पे टाइम कंज्यूमिंग की टाइम जो है यहाँ पर ज्यादा लगता है कंपेरेटिवली, अगर आप अदर मिल देखें उनसे ज्यादा टाइम लगता है। उसके बाद एक और डिसएडवांटेज है आपका कि इट कैन नॉट बी यूज फॉर स्टिकी मटेरियल, जो चिपचिपे मटेरियल है उसको आप नहीं ले सकते क्योंकि वो रोलर्स में चिपक जाएंगे और बेड में चिपक सकते हैं। देन है आपका हाई एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी जो है हाईली एनर्जी यहाँ पर कंजप्शन की जाती है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास क्या है आपका यूज, इट इज यूज फॉर टफ टू फाइन पाउडर। यही आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि एज रनर मिल किस टाइप के मटेरियल को तोड़ने में काम में ली जाती है, तो आपको बताना है कि ये टफ मटेरियल को फाइन मटेरियल में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। जो सख्त मटेरियल होते हैं उनको एकदम बारीक करने में काम में ली जाती है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा, मैंने सिंपल तरीके
तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।